Dear students, now this is the last part of your chapter 11, people around us. Now you can see in your surrounding, so many things are happening and so many helpers are there for the sustenance of our life. Now, in this part, I am continuing with the social worker. Social worker that I am continuing. Earlier we discussed about the social worker like Mother Teresa. And they work for the society, for the underprivileged people who are poor, who are not educated, who are having problem in sustaining their life. So now there are some NGOs, non-governmental organizations. क्या कहते हैं इसको? Non-governmental organization means the organization which are not governed by the government. Government का नहीं होता, ये private होता है, ठीक है? Private होता है, लोग अपना NGO खोलते हैं, उसके थ्रू गरीब की जिसको जरूरत है उन लोग की मदद करते हैं. These organizations provide support to the people and families that need special care. जिनको special care की जरूरत होती है पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनको ये organizations support करती है. They give the moral support to the poor and sick people. Means moral support का मतलब मानसिक रूप से अगर कोई बीमार है, कोई गरीब है तो उनसे बात करके, उनसे उनको अच्छे से देखभाल करके उनका ख्याल कर रखते हैं. Help them to live better life. अच्छी लाइफ के लिए प्रोत्साहित करते हैं. जो गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं, तो ऑर्फेंस होते हैं, ऑर्फेनेज होते हैं, ऑर्फेंस के लिए हेल्प करते हैं ये लोग. सम इम्पॉर्टेंट NGOs ऑफ इंडिया आर चाइल्ड हेल्पलाइन. आपको याद होगा लास्ट ईयर हमारे स्कूल में चाइल्ड हेल्पलाइन वाले आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था. स्माइली फाउंडेशन, नन्ही कली, ये सब बच्चों के लिए काम करते हैं. गिव इंडिया फाउंडेशन, गूंज, हेल्प इज इंडिया, ये बुजुर्गों के लिए काम करते हैं. क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये भी छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी के लिए काम करते हैं. जो गरीब होते हैं, जिनकी मम्मी को ठीक से खाना नहीं मिलता है और जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये काम करते हैं. केयर इंडिया, प्रथम, ये सारे NGOs हैं जिनका ये उनके नाम है, ठीक है? और ये अपने NGO के थ्रू गरीब लोगों की मदद करते हैं. चाइल्ड लेबर, चाइल्ड हेल्पलाइन में चाइल्ड लेबर पे मजदूर, छोटे छोटे बच्चों को अगर मजदूरी कराई जा रही है, कोई बच्चा उठा के ले गया है, कोई बच्चा गुम हो गया है, तो ये जाके उनकी हेल्प करते हैं. देर आर सम NGOs विच वर्क फॉर स्ट्रे एनिमल्स. मतलब कुछ NGOs ऐसे हैं जो जो जानवर जो सड़कों पे घूमते हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं होता है, उनके लिए भी काम करते हैं. ओके, सो नाउ दीज आर द इमेजेस ऑफ द लोगोज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. आई हैव टेकन सम ऑफ द लोगोज. क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, इनका लोगो है ये. सेकेंड, दैट इज द, दिस इज द चाइल्ड राइट्स एंड यू. सेकेंड वन इज गूंज, अ वॉइस एंड एफर्ट, ये भी 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं. स्माइली फाउंडेशन, देन हेल्प इज इंडिया बुजुर्गों के लिए, हेल्प इज इंडिया फॉर द ओल्ड एज पीपल. पेटा, इट इज फॉर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. ये एनिमल्स के लिए काम करता है पेटा, ठीक है? नाउ हाउस होल्ड वर्क. अब है हाउस होल्ड वर्क. यहाँ पे कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, घर में कितने काम होते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, स्टडिंग, सो मेनी वर्क्स आर देयर. एंड हम हमेशा क्या देखते हैं, मम्मी को बिजी, हमेशा मम्मी बिजी रहती है सब कामों के लिए, विच इज नॉट गुड. सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. फॉरेन कंट्रीज में तो नौकर होते नहीं है घर में, तो दे ऑल हेल्प ईच अदर, दे डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमॉन्ग देमसेल्व्स. फाइन, सो देयर आर सो मेनी वर्क्स एट आवर होम. There are so many works at our home. For example, cooking, cleaning, washing, caring for children, shopping, etc. These works must be distributed among the family members. इन सारे कामों को लोगों के बीच में distribute करना चाहिए, family members के बीच में. Cooking and caring of family members usually done by mother. घर में मम्मी जो होती है वो हमेशा cooking में और घर के family members के care करने में उनका पूरा समय जाता है. So, studies of the children should be taken care by father. बच्चों की पढ़ाई फादर को देखनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद taken the children to the school, bring them back to should be done by the father.
बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसको लेके आना, ये भी फादर को करना चाहिए. चिल्ड्रेन मस्ट हेल्प द फैमिली मेंबर्स इन स्मॉल वर्क. छोटे छोटे बच्चे जो घर के होते हैं वो छोटे छोटे कामों को हेल्प कर सकते हैं, जैसे अपना कमरा साफ करना, अपने स्टडी टेबल को साफ करना, क्लीनिंग देयर रूम स्टडी एंड स्टडी टेबल, पैकिंग अप द स्कूल बैग, पॉलिशिंग द स्कूल शूज. मैं हमेशा बोलती हूँ असेंबली में अपने छोटे छोटे काम करने चाहिए, उससे क्या होता है मम्मी को हेल्प मिलता है. स्कूल से वापस जाके अपना बैग सही जगह पे रखना, यूनिफॉर्म को लॉन्ड्री में बैग में रखना, शूज को जगह पे रखना, टिफिन और वाटर बॉटल को किचन में ले जाके रखना, ये सारी चीजें करनी चाहिए. ग्रैंड पेरेंट्स घर में है तो ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना. दादा दादी है तो छोटे बच्चों को की देखभाल कर लेते हैं, उनका ध्यान रख लेते हैं, तो मम्मी दूसरा काम कर लेती है. सो इन दिस वे वी कैन हेल्प ईच अदर इन हाउसहोल्ड चोर्स. ओके, सो नाउ हाउसहोल्ड चोर्स कितने सारे काम है, अपना कबर्ड ठीक करना, गार्डनिंग करना, छोटी छोटी क्लीनिंग करना, गाड़ी साफ करना. ओके, इसी तरह यहाँ पे जैसे स्वीपिंग द फ्लोर, टेक आउट द गार्बेज, गार्बेज का पैकेट ले जाके डस्टबिन में डालना, डाइनिंग के लिए खाना खाते वक्त टेबल सेट करना, प्लेट ला के रखना, ठीक है, खाना उठा के रख देना, छोटे छोटे बर्तन साफ कर लेना अपने अपने. जैसे अभी लॉकडाउन में क्या था, सर्वेंट नहीं आते थे तो सब हम लोग मिलके काम करते थे ना, तो यहाँ हमेशा काम करना चाहिए. संडे को पापा के साथ मिलकर गाड़ी साफ करना, ये सारी चीजें काम जब होते हैं तो हम बहुत काम सीखते हैं. फॉरेन कंट्री में, विदेश में, बाहर के देशों में सब लोग अपना काम करते हैं, यहाँ पे हमें सर्वेंट मिल जाता है इसलिए हम लोग काम नहीं करते हैं. और संडे के दिन तो और मम्मी को परेशान करते हैं ना, आज ये करना है, आज वो खाना है करके, ठीक है. बट नो, वी मस्ट हेल्प ईच अदर टू कंप्लीट आवर हाउस होल्ड चोर्स. नाउ वर्किंग चिल्ड्रन, अब इनकी लाइफ कितनी खराब है देखो. छोटे छोटे बच्चे हैं, लेबर मजदूर की तरह काम करते हैं, छोटे बच्चों को सर्वेंट बना दिया जाता है. नाउ सी सच ए स्मॉल गर्ल वॉशिंग द क्लोथ्स, नो मॉपिंग द फ्लोर, घर में पोछा लगा रही है. इस तरह के काम हम लोग बच्चों को नहीं काम करवाना चाहिए. सम चिल्ड्रन वॉक टू सपोर्ट देयर पुअर फैमिली एट वेरी यंग एज. फैमिली गरीब होती है, पेरेंट्स फोर्स करके भेज देते हैं कि जाके मजदूरी करो. दे वॉक इन फैक्ट्रीज एंड माइंस इन बैड कंडीशन. फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, बहुत बुरी हालत है. यहाँ पे माइंस में जाके देखोगे, मार्बल माइंस में छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखेंगे, चाय की ठड़ी पे वो लोग चाय पहुंचाते हुए, बर्तन साफ करते हुए दिखेंगे, ढाबों पे जाओगे तो छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखते हैं. सम वर्क्स एज ए सर्वेंट और सर्वेंट्स और मेड्स, घर के लिए भी लोग छोटे बच्चों को नौकर रखते हैं. सम सेल्स थिंग्स ऑन द रोड्स एंड द मार्केट. आप हाईवे पे जाओगे, शहर में जाओगे तो आप चौराहे पे देखोगे कि सिग्नल के पास छोटे बच्चे कुछ कुछ सामान बेचते हुए दिखाई देंगे. दे डू नॉट गेट चांस फॉर गुड एजुकेशन एंड हेल्दी लाइफ. पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, ढंग से उनको खाना पीना भी नहीं मिल पाया. वी मस्ट मेक देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. अगर इस तरह के बच्चे, उनको पढ़ाई के लिए समझाना चाहिए और हमें उनको हेल्प भी करना चाहिए. मस्ट टीच देम इन फ्री टाइम एंड हेल्प देम बाय गिविंग बुक्स, है ना. हम लोग जैसे जॉय ऑफ गिविंग हमने किया था, जॉय ऑफ गिविंग में हमने क्या किया था, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बांटी थी ऑर्फनेज में और ओल्ड एज होम में, तो ये सब हम हेल्प कर सकते हैं बच्चों को. बट वी मस्ट थैंक्स टू आवर गॉड, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स हु आर गिविंग अस एवरीथिंग. तो हमें पेरेंट्स, जस्ट इमेजिन अबाउट दिस चिल्ड्रेन, इन बच्चों के बारे को देखो और फिर हमें भगवान को थैंक्स कहना चाहिए, अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहिए कि वो हमें हर चीज देते हैं, ऐसी जिंदगी नहीं है हमारी. ओके, सो वी मस्ट बी थैंकफुल. सो दीज आर द पीपल अराउंड अस. अच्छे लोग भी हैं, हेल्पर्स भी हैं, एनजीओज भी हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स भी हैं, पर ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे आस पास हैं, जो हमें दिखते हैं. ओके, फाइन. नाउ द रिमेनिंग हार्ड वर्क्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड, मतलब सपोर्ट देना, फैसिलिटी देना, मोरल सपोर्ट मीन्स उनके मन को सपोर्ट देना, हाउस होल्ड मतलब घर का, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, प्रिपेयर मतलब बनाना, फोर्स मतलब प्रेशर करना, किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाना, इंस्टेड ऑफ का मतलब कि इसके बदले में सुइटेबल दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. सुइटेबल मतलब सहूलियत, मतलब जैसा सही हो सके. क्या बोले इसको, समझना पड़ेगा तुमको. आई डोंट हैव एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड फॉर दिस. अवेयरनेस मतलब हमें जानना चाहिए. इम्पॉर्टेंस जरूरी. स्टेशनरी जो बुक कॉपी पेंसिल रेजर होता है उसको हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं. ओके, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू राइट ऑल द हार्ड वर्क्स इन योर कॉपी बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चन आंसर. सो रीड द चैप्टर
and write all the hard words in your notebook. I will give you the question answer afterwards. Okay? Now, thank you.